नमस्कार। पेरिस ओलंपिक पर हमारे विशेष कार्यक्रम भारत के चैंपियंस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। और पेरिस ओलंपिक में आज का दिन भारत के लिए बेहद खास है, क्योंकि भारत को मिल गई है एक चैंपियन। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत का पदक का खाता खोल दिया है। मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है, तो पेरिस ओलंपिक में ये भारत का पहला पदक है। वहीं मनु भाकर ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज बन गई हैं। वहीं और भी खेलों में आज हमारी नज़र रहने वाली है। तीरंदाजी में भी एक मेडल इवेंट है जिस पर हमारी नज़र रहेगी, और इस कार्यक्रम में विस्तार से हम बात करेंगे इन्हीं सब खेलों की। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। तो मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचते हुए भारत को पहला पदक दिला दिया है। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। इसी के साथ ओलंपिक खेलों में 12 साल बाद निशानेबाजी में भारत को पदक मिला है। मनु भाकर ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। मनु ने फाइनल में शुरू से ही शीर्ष तीन में जगह बनाई हुई थी। अंत में 221.7 के स्कोर के साथ मनु ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इस स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक दक्षिण कोरिया के निशानेबाजों के नाम रहा। और राष्ट्रपति ने मनु भाकर को उनकी सफलता पर बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने लिखा कि 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ पेरिस ओलंपिक में भारत का पदक का खाता खोलने के लिए मनु भाकर को हार्दिक बधाई। वे शूटिंग प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। भारत को मनु भाकर पर गर्व है। उनकी यह उपलब्धि खिलाड़ियों खासकर महिलाओं को प्रेरित करने वाली है। मैं कामना करती हूं कि वे भविष्य में उपलब्धियों की और अधिक ऊंचाइयों को छुएं। प्रधानमंत्री ने भी मनु को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, एक ऐतिहासिक पदक, पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीतने पर मनु भाकर को बधाई। यह सफलता और भी खास है क्योंकि वे भारत के लिए निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला कांस्य पदक जीतने के लिए बधाई मनु भाकर। यह सफलता इसलिए और भी खास है क्योंकि वे भारत के लिए शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। और हमारे साथ पेरिस से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला। वहीं हमारे संवाददाता गौरव मनु भाकर के घर से हमारे साथ जुड़े हैं। वहीं निशानेबाजी कोच दीपक दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे मुकेश का। मुकेश, एक बेहद खास उपलब्धि मनु भाकर के लिए, जब गई थी वो पेरिस ओलंपिक, ये ठान कर गई थी कि पदक जीत कर आएंगी, और मनु भाकर ने आखिरकार ये कर दिखाया। पहली महिला निशानेबाज वो बन गई हैं ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाली। बिल्कुल सुचित्रा, ये बड़ा मौका है, बड़ा दिन है मनु भाकर के, जो पिस्टल ने अचूक निशाना लगाया और ब्रॉन्ज मेडल जीता, और इसके बाद जो देश भर में खुशी का माहौल है, चाहे मनु भाकर के गांव हो या उनके फॉर्मर कोचेस हो, उनके कुलीग्स हो, शिवत और सामरा भी जा रही थी, उनसे बात करें तो वो भी बड़ी एक्साइटेड की शुरुआत हो गई। एक ऐसे ही शख्स और है मेरे पास जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। इंडियन टीम में बहुत समय से हैं और इंडियन टीम के साथ इन्होंने बहुत काम किया है, खिलाड़ियों के साथ बतौर कोच भी रहे। मनोज जी एक बार आइए, आप बताइए कुछ ऐसी स्टोरी बताइए जो दुनिया जानना चाहती है। मनु को आपने देखा, दीपक जी भी जुड़े हुए हैं। मनु को हमने बहुत क्लोज भी देखा है, बहुत ही डिटरमाइंड, बहुत ही डिसिप्लिन है चीज पर, एंड इस बार वो सोच के आए कि आज मेरे को बैटल लेके आना। एक छोटा सा किस्सा मेरा मनु के साथ था। मनु के साथ में बैठा हुआ था, मनु बोली सर अगली बार मेरे को राइफल में ओलंपिक खेलना है,
तो मैंने बोला हाँ अगली बार हम लाइफल में खेलेंगे, इस बार आप पिस्टल में खेलो। तो मनु ने बोला था नहीं सर खेलना नहीं है, इस बार मेरे को पिस्टल में मेडल जीतना है और अगली बार मैं राइफल में मेडल जीतूंगी। तो ऐसे बस हम मजाक कर रहे थे। तो बहुत ही डिटरमिनेंट और बहुत फोकस के साथ मनु इस बार आई है। अभी दो और इवेंट है मनु के, मिक्स्ड इवेंट एंड स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट, एंड हमें दोनों में उम्मीद है। एक स्टार्ट हो गई है मेडल जीतने की शूटिंग इवेंट से, तो शूटिंग फैमिली के लिए, शूटिंग एथलीट के लिए, शूटिंग टीम के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। एक अच्छी खुशी का माहौल है पूरे कंटिजेंट में, पूरा माहौल पॉजिटिव फील कर रहा है ये मेडल जीतने से। और हमें उम्मीद है आने वाले टाइम में जैसे हर रोज हमें खुशी मिलती रहेगी नए नए एथलीट के साथ। मनोज जी बड़े क्लोज से आपने उनको देखा है, तो वो चीज बताइए जो करणी सिंह में वो करती थी जब आप तमाम एथलीट दीपक जी भी हैं, ये क्या कुछ खासियत है मनु को जो स्पेशल बनाती है? मनु की खासियत उसका डिसिप्लिन, अगर मैं बोलूंगा तो हमेशा डिसिप्लिन रही है, ट्रेनिंग के साथ हमेशा फोकस रही है, अपने काम से काम रखा उसने। इस टाइम पे मेरे को 10 मीटर की ट्रेनिंग करनी है, इस टाइम पे 50 मीटर की ट्रेनिंग करनी है, तब मेरे को खाना खाना है। जैसे मैंने उनके पेरेंट्स को वॉच किया है, पीछे हमेशा लेके बैठते थे कब ट्रेनिंग मनु की ट्रेनिंग खत्म होगी, तो हम हमें मनु को ये चीज ऑफर करनी है। तो काफी फोकस एंड डिसिप्लिन के साथ ट्रेनिंग किया है मनु ने। बिल्कुल सुचित्रा देखिए ये वो कोचेस है, एक आपके साथ जूम पे जुड़े हैं, ये लाइव यहाँ पे जुड़ रहा हूँ मैं। ये लोगों ने बड़ा करीब से देखा, एक शूटर बनने के लिए, एथलीट बनने के लिए क्या जरूरत होती है, कितना उनमें माता जी होता है, ये तमाम चीजें ये बता रहे थे और दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो बड़ी चीजें हैं और बड़ा पल है भारत के लिए। माहौल पूरा इस समय यहाँ पर खुशनुमा हुआ है, तमाम जो एनआरआई के सदस्य हैं, देश है, उनके साथी हैं, कोचेज हैं, बहुत ज्यादा खुश है। बिल्कुल मुकेश, और गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनु भाकर के घर से। जी गौरव, जश्न का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है, लंबे समय तक जारी रहेगा। जाने से पहले क्या कहना था मनु का, कितना कॉन्फिडेंट वो लग रही थी पदक जीतने को लेकर पेरिस ओलंपिक के लिए रवाना होने से पहले, क्या कहना है उनके घर वालों का? बिल्कुल सुचित्रा, और हमारे साथ यहाँ पर मनु भाकर की माँ जो हैं वो मौजूद हैं, सीधे उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से देख रही थी। आप बताइए जब पेरिस ओलंपिक के लिए जा रही थी तो क्या कुछ उनके मन में था, आपने किस तरह से उनको मोटिवेट किया? बैठ जाओ नीचे, मैं तो थक गई खड़े खड़े। नहीं मैं सुचित्रा, आप देख सकती हैं किस तरह का माहौल, आप बताइए किस तरह का उनके मोटिवेट किया था जब आप पेरिस ओलंपिक वो जा रही थी। मैं joining taking a word, a reaction from the mother. सुमेधा जी, आप जी जी टाइम्स नाउ पर भी इस वक्त लाइव हैं। वाकई सुचित्रा, जो जिस तरह का एक कहना चाहिए जो खुशी है वो उनके चेहरे पे दिखाई दे रही है, और शायद उनके पास अब शब्द भी जो हैं वो बेहद कम पड़ रहे हैं क्योंकि ये खुशी इतनी बड़ी है। जी बिल्कुल गौरव, दीपक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाहर। दीपक जी जाने से पहले कितनी कॉन्फिडेंट थी मनु? शायद अपने आप में काफी एक बड़ी सफलता है। और पिता से हमने आपकी बात कराई थी कि किस तरह से पिता जो हैं उन्होंने बताया था कि उन्होंने सिर्फ मनु को यही शब्द कहे कि आप अपनी डाइट पे ध्यान रखें। और मैं मनोज जी को बधाई देता हूं, पूरी टीम को बधाई देता हूं और इस उपलब्धि पे, और जो तैयारी हुई है हर खिलाड़ी के साथ में और वो बारीकियों के साथ में, तो कॉन्फिडेंस की कमी तो किसी खिलाड़ी में नहीं है। बस उस खिलाड़ी का दिन होना चाहिए और अगर वो संयम से खेले, अपनी एकाग्रता को बनाए रखे और आने वाले मैचों में भी इसी प्रकार जो है वो देश का जो है तिरंगा लहराए। और उम्मीद है कि जैसे मनु भाकर ने हमें ये खुशी प्रदान करी ही, और यही खुशी हर खिलाड़ी जो है, जो अभी इनके इवेंट होने वाले हैं, वो सभी लोग देश का नाम रोशन करें। जी बिल्कुल, नाम तो रोशन करेंगे देश का। और क्या आप उसमें आज के पूरे इवेंट की अगर बात करें, किस तरह से देखते हैं आप शॉट बाय शॉट, किस तरह से आप आकेंगे मनु के प्रदर्शन को? अगर जैसे अगर हम मनु की आज शूटिंग, एक बहुत मैच्योर शूटिंग, एक आप ये कह सकते हैं कि ऐसा खिलाड़ी जिससे जो हमारे नए खिलाड़ी अभी आने वाले हैं जिनको ये स्पोर्ट्स खेलना है, तो इस फाइनल को और उनकी क्वालिफिकेशन राउंड को जरूर देखें, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ में उन्होंने शॉट बाय शॉट शूटिंग का खेल दिखाया है, जो उन्होंने एमिंग किया है, जो टिगरिंग किया है, जो अपने खुद के ऊपर कंट्रोल किया है, जो नर्व कंट्रोल किया है, आप जो उनके इमोशंस आए उस पर कंट्रोल किया है, तो मैं ये कहूँगा कि आज एक नया खेल देखने को मिला, एक नई मेच्योरिटी के साथ मनु भाकर ने इस खेल को खेला। बिल्कुल मैच्योरिटी के साथ खेला, और हमने देखा कि किस तरह से
जो स्वर्ण और रजत पदक है वो कोरिया के निशानेबाजों के नाम रहा, काफी कड़ा मुकाबला रहा। मनु ने भले ही कांस्य जीता, लेकिन किस तरह से आप आंकेंगे उनके इस अनुभव को, ये जो दुनिया के दिग्गज निशानेबाजों के साथ कम्पीट करने का जो अनुभव होता है, इससे बड़ी कोई सीख नहीं हो सकती किसी भी निशानेबाज के लिए? जी सुचित्रा जी, मैं तो यही कहूंगा कि आज मनु ने ये बताया कि वर्ल्ड के जितने भी निशानेबाज हैं उसमें भारतीय किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है। और बाइला यही रहा कि उनके खिलाड़ी शुरू से एक दो पॉइंट्स के ही लीड पर रहे और एक बार मनु सेकेंड पावदान पर भी आई, लेकिन उन्होंने अपना जो फोकस है वो लास्ट शॉट तक बनाए रखा, जिसकी वजह से आज भारत को खुशी का क्षण है। जैसे आप पहले कह रहे थे कि उनके कोच भी गमगीन थे, उनके आंखों में आंसू थे, उस खिलाड़ी मनु भाकर के आंखों में आंसू थे, तो मैं ये कहूंगा कि वो आंसू नहीं थे, ये 12 साल का जो सूखा था उस पे वो रिमझिम बरसात हुई है। और उसके साथ अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ कि जो हमारे बाकी खिलाड़ी हैं उनके लिए एक मोटिवेशन और एक उस चैलेंज को हैंडल करने की जो प्रवृत्ति उनके अंदर अब आएगी, और उसके साथ जब वो उस लय में आए, अपने फ्लो में आके शूटिंग करेंगे, तो मुझे मनु के साथ कई सारे खिलाड़ी तिरंगे को लहराएंगे। जी बिल्कुल दीपक जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, सोमा शिरूर की बात हो, जसपाल राणा की बात हो, कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं, मुकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, आपने बात की थी सोमा शिरूर की, जसपाल राणा भी जब वहाँ पर थे, ये ऐसे निशानेबाज हैं जो अपने समय के दिग्गज निशानेबाज थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ओलंपिक पदक इनके खाते में नहीं है। लेकिन अब एक कोच के रूप में जब ये मदद कर रहे हैं इन युवा निशानेबाजों की, ये जब पदक आया है, तो कितनी बड़ी एक तसल्ली, कितना बड़ा फुलफिलमेंट इन कोचेस को मिलता है? जी को भी शुरुआती दौर में आपने भी देखा, बड़े नाम होता था, गगन नारंग, जसपाल राणा, अंजलि भागवत, ये वो नाम होते थे जो आमतौर पे लिए जाते थे, सुने जाते थे, तो बड़ा प्रेम था, बड़ा इनका नाम था और रुतबा था। भले ही उनके पास ये मेडल ना हो, लेकिन उनके अब अगर शिष्य के पास ही मेडल आ गया तो इससे बड़ी कोई गुरु दक्षिणा नहीं होगी उनके लिए, कि एक तो उन्होंने पुरानी सारी कड़वाहट को मिटाया और एक अपने 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 पास एक ऐसा मेडल ले लिया, और उनकी जो शिष्या है, जो मनु भाकर है, जिस तरह का वो खेल, जिस तरह का उनका आपस में जो तालमेल था वो उन्होंने रखा। और ये बात मनोज जी भी अभी मनसे ही कह रहा था, इन्होंने बताया कि करनी में किस तरह से वो दोनों मिल करके काम कर रहे थे। और एक देखिए, जब टीम वर्क होता है तो आपको एक एडवांटेज मिलता है, आपको सलाह मिलती है, उसका आपको फायदा मिलता है, क्योंकि ऐसे बड़े गेम में आपके पास कोई होता नहीं है। अब आपको निजी कोच भी आए, ऑलरेडी टीम के कोच भी है, हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर भी है, मनोज जी भी यहाँ पे हैं, ये 50 मीटर के कोच हैं, लेकिन ये भी उनके साथ एसोसिएट थे, यानी एक पूरा कैंप जो था वो लगा हुआ था सभी के साथ, ना केवल मनु के साथ, ईशा है, रमिता है, आगे अर्जुन बबूता है, जो जो भी आगे खेलेगा सभी के साथ है, एना के साथ आ, शानदार खेला, ये तो 30 कुछ मारा, कुछ फ्रिक्शन से वो भी चूक गई, पोटेंशियल है, कमी नहीं। और चाइना बिल्कुल भी देखिए अजबात था ही नहीं, 1-2-3 में कहीं बनने ही नहीं दिया, जिस चाइना का डोमिनेशन था, मनु जी कुछ कहेंगे किस तरह का डोमिनेशन होता था और आगे की कुछ रणनीति बताएंगे क्या है मनु के लिए? नॉर्मली चाइना का डोमिनेशन रहता था, आपने सही कहा, लेकिन इस ओलंपिक में हम काफी डोमिनेट कर रहे हैं, थोड़ा सा सेटबैक भी रहा, जैसे आपने नाम लिया एला गलीन, क्योंकि बहुत ही क्लोज थी, एक कन्फर्म था उसका, हमें लग रहा था फाइनल में जगह बनाएगी, लेकिन वही फिर शायद मेडल ज्यादा इंपॉर्टेंट था आज के लिए, तो हम उससे बात नहीं करेंगे। ऐसे कल सर्वजोत से थोड़ा सा मिस किया, इनर 10 से मिस किया, बराबर स्कोर होते हुए भी, तो थोड़ा सा सेटबैक भी था टीम में, लेकिन आज खुशी का माहौल है, एक शुरुआत होगी हमारे मेडल जीतने की, उन्होंने एक शुरुआत कर दी है और पूरी उम्मीद है हमें कि अभी कंटिन्यू रहेगा, हर एक एथलीट के साथ हम मेडल जीते रहेंगे। जहां तक मैं मनु की बात करूं, मैंने पहले ही बोला बहुत ही फोकस, डिसिप्लिन और इस बार एक डिटर्मिनेशन के साथ आई थी, लास्ट ओलंपिक में जो थोड़ा सा सेटबैक रहा था, काफी क्लोज जाके मनु ने ओलंपिक मेडल मिस किया था, तो इस बार ऐसा नहीं करना चाह रही थी वो, और वो पूरी फोकस और डिसिप्लिन के साथ अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दे रही थी। जैसे मनु को हम वॉच करते थे हर रोज करनी सिंह शूटिंग रेंज पे ट्रेनिंग के लिए आती थी, तो उसी फोकस के साथ, जिस फोकस के साथ मनु को हम आज यहाँ पे देख रहे हैं, उसी फोकस के साथ हमने मनु को पिछले 2 साल से देखा है, हर रोज उसका रूटीन ऑलमोस्ट वही होता था जो उसने यहाँ पे रूटीन फॉलो किया है, तो एथलीट की ट्रेनिंग कितने पीछे से स्टार्ट हो जाती है ये हमें मनु को देख के पता चलता है। बाकी खिलाड़ियों के लिए एक सीख है, आज के दिन ही आपको अच्छा परफॉर्म नहीं करना है, आपको हर रोज यही सोच के मैदान में आना, आज मेरा ओलंपिक का मैच है, आज मेरा ओलंपिक का मेडल है, तो मनु से ये सभी एथलीट को मेरे को लगता है सीख मिलनी चाहिए। हम कोचिज के लिए भी एक बताने के लिए स्टोरी, मनु ने कहाँ से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, कितने डिसिप्लिन के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट किया, उसका सब कुछ दिखाई नहीं रहता था, आज मेरे को 10 मीटर में ट्रेनिंग करनी है, आगे 25 मिनट में ट्रेनिंग करनी है,
कई बार ऐसे केसेस भी आए थे कोचिंग के पास, मनु को ट्रेनिंग करनी थी लेकिन रेंज नहीं खोल पा रहे थे, मंडे था उस दिन या कोई हॉलीडे था, तो मनु की स्पेशल रिक्वेस्ट पे एडमिनिस्ट्रेटर सर के साथ मिलकर, साई के साथ मिलकर हमने उसको सब प्रोवाइड किया जो मनु ने हमसे डिमांड किया। तो काफ़ी डिसिप्लिन है उसका, उसने अपना ट्रेनिंग रूटीन नहीं छोड़ा, आकाश में कोई ट्रेनिंग करना है तो ट्रेनिंग करना है चाहे कोई भी कंडीशन रही हो, और हमने उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है। कंडीशनिंग शूटिंग रेंज पर ज़्यादा ट्रेनिंग मनु की रही है कोच जसपाल के साथ। तो कोच जसपाल की अगर मैं बात करूँ तो मनु को एक पॉजिटिव फीलिंग आती थी उनका, अगर वो पीछे भी खड़े हैं तो एक पॉजिटिव फील होता है। जी बिल्कुल, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए भारत के चैंपियंस। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MBH का चंकी चाट मसाला डालें। MBH का चंकी चाट मसाला। MBH। क्यों प्रधान जी बड़े चमक रहे हो आजकल, ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन, मिशन है तो जीत पक्की। के बाद स्वागत है। तो इस जीत के बाद मनु भाकर के घर में किस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं, आइए देखते हैं। तो मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है और हम ये देख सकते हैं कि अभिनव बिंद्रा जो भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले निशानेबाज हैं, उन्होंने भी यहां पर एक पोस्ट किया है। बीजिंग ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाने पर मनु भाकर को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, पेरिस 2024 में एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए मनु भाकर को हार्दिक बधाई। आपका अथक समर्पण, कड़ी मेहनत और जुनून वास्तव में सफल रहा है। प्रत्येक शॉट के साथ भारत को गौरव प्रदान करते हुए आपके कौशल और दृढ़ संकल्प को देखना अविश्वसनीय है। यह उपलब्धि आपकी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। चमकती रहो मनु। और इस जीत के बाद मनु भाकर के घर में किस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं, अब वो देख लेते हैं। शूटिंग में हमारे लिए ये जो मेडल आया है, ब्रॉन्ज मेडल आया है, हमें आशा ये थी कि गोल्ड मेडल आएगा, परंतु फिर भी एक अच्छी अचीवमेंट है। तीसरे मेडल पाना ओलंपिक में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जी। एक सामान्य ही परिवार से उठी है और इकोनॉमिक की तो कोई वो प्रॉब्लम आई नहीं कभी इकोनॉमिकल, लेकिन उसने हार्डवर्क बहुत किया है। बहुत बड़ी एवेटिन, बहुत रिफ करी एवेटिन, बहुत बात करी है। गोल्ड मेडल की आस थी लेकिन खुश हूँ ब्रॉन्ज आया है। तो मनु भाकर के घर पर ये कांस्य पदक जीतने के बाद जश्न का माहौल है। मनु भाकर के पिता भी इस उपलब्धि से काफी खुश हैं। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। बड़ा खुशी का पल जो है वो पूरे देश के लिए है, और न केवल देश के लिए बल्कि परिवार के लोग भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा काफ़ी सुबह से ही उनके घर के बाहर था। और आप देख सकते हैं कि पिता जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और फिलहाल वो अभी सभी मीडिया वालों से बात कर रहे हैं और अपनी इस खुशी का जो है वो इजहार कर रहे हैं। और तो इस वक्त हम उनका ही सीधे जान लेते हैं। सर आप बताइए कि कितनी बड़ी ये कामयाबी है बेटी के लिए। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है कि मनु ने मेडल जीता और देश का नाम बढ़ाया, ओलंपिक में स्टार्टिंग कर दी है, और आगे भी सभी खिलाड़ियों को एक प्रेरणा मिलेगी कि हम उसका वो कर रहे हैं कि भाई जो बच्चे खेल रहे हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि मनु ने मेडल जीता है। कहते हैं कि एक मेडल बड़ा नहीं होता लेकिन उसके पीछे की जो तैयारी होती है वो बहुत बड़ी होती है, और हम सब जानते हैं कि आपने उस तैयारी में किस तरह से योगदान दिया था। तो क्या कुछ जब पेरिस ओलंपिक जा रही थी बेटी तो किस तरह से उसको मोटिवेट किया था आपने? जी मोटिवेट एक ऐसा वर्ड्स है जो देश के प्रधानमंत्री ने कर दिया तो हम क्या करेंगे। जैसे वो हरियाणा वाले कहते हैं ना कि जब हमें कोई ज्ञान देता है ना तो बोलते हैं हमें अरे यहाँ पे तो भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया हुआ है। तो जब प्रधानमंत्री ने उनको मोटिवेट कर दिया तो आम जनता से ज़्यादा ही कर दिया।
पैरिस ओलंपिक के अगर पूरे दल को देखा जाए तो उसमें 47 ऐसी खिलाड़ी हैं, 47 में नंबर लेकर के बोल रहा हूँ, 47 ऐसी खिलाड़ी महिला खिलाड़ी हैं जो कि इस बार जो है वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और ऐसे में आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि न केवल मेडल्स की संख्या में बढ़ोतरी होगी बल्कि जो महिला खिलाड़ी हैं वो भी कहीं ना कहीं गौरवान्वित करेंगे। तो इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। गौरव हमारे साथ मनु भाकर के घर से जुड़े हुए हैं, मुकेश शुक्ला हमारे साथ पेरिस से जुड़े हुए हैं, वहीं निशानेबाजी कोच दीपक दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी रहेगी। तो हम चर्चा कर रहे हैं मनु भाकर के कांस्य पदक पर। पेरिस ओलंपिक में मनु ने भारत को पहला पदक दिलवाया है और हमारे संवाददाता गौरव कुमार मनु भाकर के घर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी गौरव, हमने देखा किस तरह से गौरव आज महसूस कर रहे हैं उनके पिता, और क्या कहना है उनके परिवार के लोगों का मनु की इस उपलब्धि पर। जी बिल्कुल जी, जाहिर तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है। और इस वक्त हमारे साथ माता जी, मनु भाकर की माता जी मौजूद है और देख सकती हैं ये लगातार जो बधाई का ताता है वो देखने को मिल रहा है, और लगातार जो परिवार के जो सदस्य के जो लोग हैं वो उनके पास आ रहे हैं, सोसाइटी के लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार बता दे रही। आप बताइए कितना बड़ा एक ये पल है। वो लड्डू का है, सालू लड्डू जो है वो भी मिठाई का बढ़ती जा रही है। पूरे तीन दिन से प्रेयर कर रहे हैं मनु के लिए। ये सब देखिए, ये बता रही है कि किस तरह का यहाँ पे माहौल था। मेरी सोसाइटी का परिवार है ये जी, तो ये हर पल मनु के साथ जुड़ के उनके लिए कामना किए जा रहे हैं, कामना के जो भी कुछ हो रहा है व्हाट्सएप पे लिखते जा रहे हैं, मैं सब देखते जा रही हूँ क्या हो रहा करके हलचल। अच्छा आप बताइए कि मनु से क्या आपकी बात हो पाई। मनु से मेरी बात नहीं हो पाई अभी। अच्छा पिछली रात बात हुई थी। आप लोगों से फ्री होके मैं मनु से बात करूंगी, पहले आप लोगों को अटेंड कर लूं कि आप लोग खुशी खुशी अपने घर जाएं। किसी का भी मैं नहीं चाहती कि दिल दुखी हो। अच्छा मनु के लिए क्योंकि उन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल की, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, लेकिन एक समय ऐसा लग रहा था कि सिल्वर मेडल के बहुत करीब थी, तो किस तरह से लगातार जो जो मोटिवेशन होता है उनको किस तरह से लगातार आप देती रही एक माँ के नाते। एक मिनट थोड़ा सा। जाहिर तौर पर यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो शायद लड्डू की जो तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं, और परिवार के कुछ और भी लोग जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो आप बताइए किस तरह से लगातार जो एक मोटिवेशन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, तो एक माँ के नाते आपने किस तरह से लगातार बेटी को मोटिवेट किया। मनु को जब मनु तकलीफ में होती है ना, तो मेरी तकलीफ मनु की तकलीफ, तो हम एक दूसरे के साथ में बिल्कुल ऐसे डट के खड़े हम कि मतलब, और हम चारों ही ना एक दूसरे के साथ खड़े हैं कि इस जो मुसीबत के समय ना हमें टूटना नहीं है, हमें आगे बढ़ते ही जाना है। अच्छा लगातार बधाइयों का जो ताता है वो भी हर ओर से आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है, हर ओर से बधाई का जो सिलसिला आ रहा है, तो ये एक खिलाड़ी के लिए कितना मोटिवेशन होता है और साथ ही साथ परिवार के लोगों के लिए किस तरह से होता है, उसमें किस तरह की फीलिंग होती है। मैं तो जब से मनु ने मेरे जन्म लिया है तब से मैं एक बड़ी खुश नसीब माँ रही हूँ। मैं हमेशा ही अपनी बेटी को देख के बड़ी खुश रही हूँ, और दो बच्चे हैं, दोनों मेरे संस्कारी बच्चे हैं, तो दोनों मतलब बेटा भी, मैंने ऐसे भाई देखे हैं जो अपनी बहन के बिल्कुल खिलाफ रहते हैं। मेरा बेटा ऐसा है कि वो हर पल अपनी बहन को अपना समय देता है। अभी जैसे मनु गई थी बाहर अभी पेरिस में अपने एग्ज़ाम छोड़ के, वो DU में लो कर रहे हैं अभी, DU कैंपस से लो चल रहा उनका, अपने एग्ज़ाम छोड़ के अपनी बहन को समय देने आए कि किसी भी तरह से मोटिवेट करके अपनी बहन को यहाँ से विदा करूँ ताकि हंसती खेलती वो यहाँ पे घर पे आए। अभी मेरा बेटा कल आएगा, उसका पेपर है मंडे को, तो मंडे को पेपर देके वो घर आएगा यहाँ मेरे पास। जी जाहिर तौर पर एक खिलाड़ी का जो जीवन होता है वो संघर्ष से भी भरा होता है, हम जानते हैं कि अप और डाउन जो है वो मनु के जिंदगी में भी आते रहे, तो उस अप एंड डाउन के बीच में आपने किस तरह से आगे बढ़ाया मनु को और किस तरह से उसके मनोबल को जो है वो हमेशा बरकरार रखा कि ऊंचा रहे मनोबल। कई बार ना शूटिंग में मनु झा गई ना मेडल लेके आई है, तो कई बार ऐसी चूक हुई है कि मेडल ना लेके ले पाई, तो मम्मी मैं इतनी मेहनत करती हूँ मेडल क्यों नहीं आया। बेटा कोई बात नहीं, परीक्षा की घड़ी होती है, जब हम कुछ करेंगे ना तो उसमें उतार चढ़ाव होते, जिंदगी का हिस्सा है, जब हम ऊपर चढ़ेंगे तो नीचे भी गिरते हैं, वो गिर के जो ठोकर लगती है ना उससे हमें और अच्छे से समझना आता है। तो मनु को क्या होती है ना, एक जो मेरा जो गुरुकुल का जो ज्ञान है ना वो मेरे बहुत काम आता है, मैंने जो शास्त्र पढ़े हैं वो मेरे शास्त्र के जो कुछ सूक्तियाँ कहावते हैं
जो बहुत काम आती है मनु के, मैं संस्कृत में बोल बोल के मनु जी बिल्कुल ये जो चर्चाएं जारी रहेगी, बने रही हमारे साथ, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं, बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाया है महिलाओं की एयर पिस्टल स्पर्धा में। मनु ने कांस्य पदक जीता है और हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाताओं को और दीपक दुबे जी को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम चर्चा के लिए। तो इस कार्यक्रम भारत के चैंपियंस में फिलहाल इतना ही, हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।